हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो हम चारकोल पेंसिल से बनाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ जो चाहिए, ब्रशेस और इरेज़र, यही आइटम मुझे चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस नीचे को, उसके बाद मैं ऊपर को ड्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको काफ़ी सारी लाइंस ऊपर को करते जाना है। अब जो आपने लाइट ड्रॉ किए हैं उसको डार्क ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल डार्क, जिसमें आपको वो विजिबल हो जाए वो लाइंस। आप पेंसिल की डायरेक्शन देखिए कि मैं कैसे पेंसिल को ऊपर को रखकर ही, मैं साइड को रखकर ऊपर कर रहा हूँ, आपकी आंखों सिर्फ शेड्स आए और ये ट्री की तरह एक शो करेगा। अब मुझे इस ट्रीज को फिल कर लेना है डार्क, इतना डार्क नहीं करना है, पहले लाइट ड्रॉ करना है आपको सॉफ्ट पेंसिल से ही। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से आप लेंगे और इसको बस एक एक स्ट्रोक लगाएंगे, ज्यादा डार्क इस पर प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, बस सिंगल स्ट्रोक से ही आप इसको अप करें। जो इसके नीचे वाला एरिया है उसको मैं बिल्कुल डार्क करने जा रहा हूँ गाइस, तो आपको भी डार्क करना है। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हम कभी भी शेडिंग करते हैं तो पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं, हम जितना भी लाइट वर्क होता है पहले वो करते हैं, क्योंकि लाइट वर्क करना पहले ज़रूरी होता है और फिर बाद में हम डार्क वाले पोर्शन में करते हैं। अभी मैं हल्का सा शेडिंग कर रहा हूँ सब जगह पर, ताकि मुझे सिर्फ लाइट इफेक्ट दे रहा है। गाइस, अगर आपके पास चारकोल पाउडर हो तो आप चारकोल पाउडर भी यूज़ करते हो, पर मैं सिर्फ पेंसिल के साथ ही सब कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो ये ईजिली ब्लेंड करने में भी, जो चारकोल पाउडर होता है उससे आपको रियलिस्टिक इफेक्ट आता है, लेकिन मैं पेंसिल से ही करता हूँ। ब्लेंड कर रहा हूँ एक बड़े ब्रश के साथ। गाइस, मैंने एक कॉस्मेटिक ब्रश लिया है, आप किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से ले सकते हैं, ये बहुत ही इजीली होता है ब्लेंड करने के लिए। किसी भी आप सरफेस को ब्लेंड करेंगे, अगर आप ग्रेफाइट को करते हैं या चारकोल को करते हैं, तो ये बहुत स्मूथली करता है। इसमें बहुत सारे आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। ये इजीली ब्लेंड कर रहा है इसको सरफेस को, जैसे चाहे मैंने इस पे शेड्स ली है सॉफ्ट पेंसिल से, लेकिन इसको ब्लेंड कर देता है। आप ब्लेंडिंग करने के लिए हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड से भी बहुत ही ईजिली हो जाता है गाइस। मैंने सॉफ्ट पेंसिल लेकर उसके साथ जो है ब्रांचेस भी ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, और साथ साथ मैं ब्लेंड भी करता जा रहा हूँ। जो बैक साइड की हमारी ब्रांचेस होंगी
क्योंकि वो लाइट शेड में दिखनी चाहिए और जो फ्रंट वाली होंगी वो डार्क शेड में होंगी। तो जो ट्री हम बनाएंगे फ्रंट में वो डार्क होने चाहिए और पिछले वाले जो है वो लाइट होने चाहिए। लाइट वाले में वो बैक साइड पे दिखेंगे। तो पहले आपको बैक साइड वाले पे काम करना है, उसके बाद आपको डार्क वाले पे काम करना है। अभी मैं इसको बिल्कुल ब्लैक, मतलब ये इवनिंग जैसा इफेक्ट है। दोस्तों मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ब्लैक कलर में दिखे, क्योंकि मैं पेड़ों में भी इसी तरह ब्लेंड करते रहूँगा।
तो मैंने यहाँ इरेज़र ली है और इरेज़र से मैं थोड़ा सा वाइट इफेक्ट दे रहा हूँ कुछ कुछ लोकेशंस पर, जैसे कि नीचे वाला एरिया जो है शेडिंग का पार्ट दे रहा हूँ। अभी आपको ब्रांच ड्रॉ करनी है, सिर्फ पेंसिल को रखकर जोर से खींच दीजिए तो वो अपने आप ही आपको ब्रांचेस का इफेक्ट देगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जो बीच वाली है वो टहनी बननी चाहिए और थोड़ा सा उसमें मोटापा रहेगा, बाकी वाले चीज़ों पे आपको सिर्फ खींचते जाना है, लाइन ड्रॉ करते जाना है। गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और लगभग ये फाइनल हो चुका है, बस मुझे लाइट का सोर्स देना है इसका, उसके बाद ये रेडी है।